नमस्कार, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे सारे भाई लोग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ जोमेटो के जोन में एंड टाइम और आप लोग देख रहे हो तो बराबर 7 बजे है और मैं लॉगिन अभी हो रहा हूँ भाई। एक सेल्फी और देनी है मेरे को बैग के साथ एंड उसके बाद मैं लॉगिन हो जाऊँगा और आज मैं काम करने वाला हूँ भाई लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है ना। सो भाई ज़्यादा लेट नाइट तक हम काम नहीं करने वाले हैं बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्दियों में मैं जोमेटो को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ और कम समय के लिए काम कर रहा हूँ। आज भी मैं नहीं आ रहा था बट दोस्तों मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और इसलिए मैंने सोचा कि भाई झालामढ़ की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो 4 किलोमीटर राइड करनी पड़ेगी और इधर मैं जाऊँगा तो 7 किलोमीटर राइड करनी पड़ेगी, तो 5 से 6 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा आ जाऊँगा और साथ ही साथ भाई 2 घंटे जोमेटो में काम कर लेंगे एंड आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगा। अर्निंग कितनी होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा 2 घंटे में, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं भाई सिटी सेंटर क्योंकि यहाँ से अपने को ऑर्डर नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आसपास में कोई रेस्टोरेंट है नहीं। हालांकि शिकारगढ़ की तरफ है पर ये भाई इसमें मतलब ऑर्डर कम मिलते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा मतलब फेमस नहीं है। इसलिए भाई सिटी सेंटर साइड की रेस्टोरेंट है वो ज्यादा फेमस है और जोमेटो में ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं उनमें, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा ज्यादा ऑर्डर के लिए सिटी सेंटर की तरफ और वहां से ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट होगा। तो चलिए भाई चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। भाई मैंने सोचा सिटी में सर्दी कम होगी बट सिटी में बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, हाथ वगैरह सब कुछ मतलब एकदम कोल्ड हो रहे हैं, पैरों पे भी भाई बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है और एकदम कोल्ड हो रहा है, ठीक है ना। समझ सकते हो भाई सर्दी कितनी खतरनाक है और दिसंबर का महीना है, दिसंबर तो पूरे ही मतलब खतरनाक सर्दी वाला होता है भाई। दिसंबर के महीने में चाहे आप सिटी चलो या फिर बाहरी एरिया में कहीं पे भी चलो भाई सर्दी उतनी लगनी है। तो यहाँ पे भी भाई सिटी में मैंने सोचा कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है तो इस हिसाब से सर्दी कम होगी बट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। और इससे डबल भाई हमारे घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ है क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक रहता नहीं है शाम के समय भाई, तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। गैस अभी मेरे को एक ऑर्डर मिला था वो मैंने कर दिया कैंसिल, 7 किलोमीटर का ऑर्डर था और कस्टमर का लोकेशन भी भाई सही से बता नहीं रहा था तो भाई मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। उस ऑर्डर को कैंसिल किया तो भाई यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ भाई क्या बता रहा है, ठीक है ना। भुगतान के अंदर जाते हैं ट्रिप्स, ये ट्रिप के अंदर भाई आप लोग देख सकते हो टिपन CO बता के रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने जो है इस ऑर्डर को कर दिया डिनाइल कर दिया भाई, ठीक है ना। और लगभग 7 किलोमीटर का था ऑर्डर और एग्जैक्ट भाई मेरे को जो है एड्रेस नहीं बता रहा था कस्टमर का। तो अभी मेरे को ना पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में तो यहाँ पे चलते हैं, पेमेंट तो मेरे पास ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही करेंगे, जल्दी से निकालते हैं गूगल पे। भाई साहब 330 का कर दो, पर्ची निकाल देना सेठ जी, 330 क्या ऑनलाइन उसकी पर्ची दे देना मेरे को 330। हाँ नमन फ्यूल सेंटर। डाल दो 330। पावर में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, एवरेज में फ़र्क पड़ता है क्या, बढ़ता है एवरेज पावर में, ब्रह्माउंड पर यार। भाई साहब यहाँ से घूम के निकलेंगे क्योंकि पीछे की तरफ से वापस आ जाएंगे, मेरे को वापस उस साइड में जाना है भाई, ठीक है ना। 22 रुपये का है दिन से मेस्ट एक्सप्रेस। भाई छोटा सा ऑर्डर है, एक ऑर्डर तो कर लेते हैं आ जाइए तो, ठीक है ना। तो चलो भाई आप लोगों को पता चल जाएगा भाई एक ऑर्डर की अर्निंग कितनी होती है। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर नहीं है, छोटा सा ऑर्डर है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, फिलहाल अभी आप लोगों को बताते हुए ऑर्डर को करता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये 22 रुपये 60 पैसों का ऑर्डर है और लगभग 1 किलोमीटर पिकअप बता रहा है रेस्टोरेंट का और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही मतलब इसको ड्रॉप करना है, ठीक है ना। तो चलिए भाई मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और रेस्टोरेंट को मैं जानता हूँ इसलिए मैं सीधा रेस्टोरेंट तक पहुँच जाऊँगा विदाउट एनी मैप, ठीक है ना, क्योंकि कई बार इस रेस्टोरेंट से मैं ऑर्डर लेके गया हूँ भाई साहब आराम से, ठीक है ना। तो जल्दी से रेस्टोरेंट पहुँचते हैं देन आप लोगों से मिलते हैं ऑर्डर पिकअप करते समय। सो ये रही भाई रेस्टोरेंट जहाँ से हमें ऑर्डर पिकअप करना है और ये हमारे जोमेटो वाले भाई साहब खड़े हैं और इनका पेटीएम का स्कैनर भी लगा हुआ है भाई बैग पे, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो भाई मोबाइल हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, सीधा ही स्कैन कर लेगा जोमेटो के बैग के ऊपर से ही। सो देखते हैं हम पहुंच गए रेस्टोरेंट पे या नहीं पहुंच गए। रेस्टोरेंट तो यही है मुझे पता है, डिमसम एक्सप्रेस के नाम से भी है और राइजिंग बाउल्स के नाम से इस रेस्टोरेंट का जो है टेम्पलेट है ऊपर, ठीक है ना। सो गाइस अभी मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है और चलते हैं पिकअप करते हैं। सर जी $15.40
सर 15-40 ले जा रहा हूँ। तो भाई चलो यहाँ से पिकअप कर लेते हैं, 5-स्टार रेस्टोरेंट को देते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर कहाँ का है भाई? अजीत कॉलोनी का है। और इंडियन ऑयल पंप ये कहाँ पे है? SBI ऑफिसर कॉलोनी। अच्छा ठीक है, जान गया भाई। चलो SNC मोटो ब्लॉक, SNC सब। ये प्लेट नंबर D44 SBI बैंक। हाँ सीधा लास्ट में ऊपर। अरे भाई ऑर्डर अभी मैं कंप्लीट कर लेता, फिर कस्टमर का नंबर भी नहीं मिलता। तो D44 है यहाँ पे, और ये SBI ऑफिसर्स कॉलोनी है। तो कुछ इस प्रकार का अपार्टमेंट्स हैं जो SBI बैंक के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ सहित रहते हैं, इसलिए यहाँ पे SBI ऑफिसर्स कॉलोनी के नाम से ये एरिया है। का मतलब क्या है यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 54 टॉप पे बोला गार्ड साहब ने। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। ओके जी ओके, अर्निंग जल्दी से दिखा देता हूँ मैं आपको। 37 रुपये मिले, 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पर ऑर्डर पे। ऑफलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी काम करूँगा नहीं यार। वैसे मेरा जो है गाड़ी का चैन पैकेट गया हुआ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो भाई गाड़ी भी ठीक नहीं है मेरी, तो कल भाई मैं चैन पैकेट डलवाऊंगा गाड़ी का, तभी अपनी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। भाई अभी मैंने जोमेटो का बैग डाल दिया अपने गाड़ी के थैले के अंदर, और अभी मैं भाई निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस ऑर्डर की अर्निंग 37 रुपये हुई दोस्तों। एंड मैं आया था अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए, और थोड़ी देर काम करने का मन किया, बट दोस्तों एक ऑर्डर मैंने कम्प्लीट किया, एक ऑर्डर मैंने डिनाइल कर दिया। और वो ऑर्डर था भाई लगभग 7 किलोमीटर का, और कस्टमर का एड्रेस भी भाई सही से मेंशन नहीं था, जिस वजह से मेरे को पता नहीं चलता कि भाई ये ऑर्डर कहाँ का है। तो इसलिए भाई मैंने उस ऑर्डर को कर दिया कैंसिल। मैंने सोचा कि भाई छोटे छोटे ऑर्डर लेंगे, तो एक छोटा सा ऑर्डर आया 1 किलोमीटर का, वो मैंने डिलीवर कर लिया। और उसके बाद भाई थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई, और थोड़ा आज भाई काम करने का मन भी नहीं था मेरा, ठीक है ना। तो थोड़ी तबीयत मतलब सुस्त है, इस वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और किसी दिन हम जोमेटो में ज़्यादा लंबे समय तक काम करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाएंगे कि भाई एक्चुअल में अर्निंग कितनी होती है। फुल डे भी काम करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए फुल डे वाला वीडियो, ठीक है ना। तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बता देना, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि लाइक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के साथ और बेहतरीन वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो धन्यवाद भाई, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।